क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट से धक धक की आवाज क्यों आती है? आप माने या ना माने, लेकिन ये वेल्व्स के कारण होती है, जिनकी स्टडी हमने इन वीडियो में की थी। वेल्व पेयर्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन को सुनिश्चित करती हैं। हार्ट बीट की साउंड स्पेसिफिक पाथ के वेल्व्स के बंद होने के कारण होती है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग करती हैं। पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व्स बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन को सुनिश्चित करती हैं। साथ ही ये ब्लड के बैक फ्लो को भी रोकती हैं। जब लेफ्ट और राइट की दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स क्लोज हो जाती हैं। इस स्थिति में हार्ट कुछ इस तरह दिखता है। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होने से ब्लड हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा में फ्लो होता है। एक्चुअली हार्ट बीट की जो पहली आवाज सुनाई देती है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के एक साथ बंद होने की आवाज है। तो हार्ट बीट के फर्स्ट हाफ में ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स एक साथ बंद होती हैं, जबकि पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व्स खुली रहती हैं। वेंट्रिकल्स के नॉर्मल होने पर पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व्स बंद हो जाती हैं। हार्ट बीट के सेकंड हाफ की आवाज इन दोनों वेल्व्स के बंद होने के कारण सुनाई देती है। पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्व्स के बंद होने पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। डायस्टोल यानी अनुशीथलन के दौरान ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में भर जाते हैं। तो आपके हार्ट में होने वाली ये तीनों प्रोसेस एक मिनट में कितनी बार होती हैं? किसी यंग या एडल्ट का हार्ट रेट उसकी एज, फिजिकल साइज, जेनेटिक और एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हार्ट रेट जनरली 60 से 100 हार्ट बीट पर मिनट रहता है। आप जितने फिट होंगे आपका लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट उतना ही कम होगा। किसी एथलीट का रेस्टिंग हार्ट रेट 40 बीट पर मिनट के लगभग होता है। प्रत्येक हार्ट बीट के बाद आपकी आर्टरीज से एक प्रेशर वेव पास होती है, जिसके कारण आर्टेरियल वॉल्स उभर आती हैं और फिर नॉर्मल हो जाती हैं। इन पल्सेस को आप अपनी बॉडी में कहीं पे भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे रखें तो आप अपनी पल्स को महसूस करेंगे। नेक के ऊपरी हिस्से में आप स्ट्रॉन्ग पल्स महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस तरह पल्स के फोर्स को क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। पल्स के फोर्स को मेजर करने के लिए ब्लड फ्लो के कारण आर्टेरियल वॉल पे लगने वाला ओवरऑल फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस ओवरऑल फोर्स को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जनरली आपका ब्लड प्रेशर इस तरह दो नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये नंबर्स सिस्टोल और डायस्टोल यानी प्रकुंचन और अनुशीथलन के दौरान आर्टेरियल वॉल्स पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। आर्टेरियल वॉल्स पे लगने वाले इस फोर्स को सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से पहले जनरेट होता है। ब्लड प्रेशर और इसके बहुत कम या बहुत ज्यादा होने पे क्या होता है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आपके हार्ट बीट और पल्स के लिए वेल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग जिम्मेदार हैं।